What's up YouTube? I am Shubham Chaudhary and I'm back with another video. Friends, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग टेनिस बॉल से लॉफ्टेड सिक्स कैसे मार सकते हो, स्पेशली ऑफ साइड में. बहुत प्लेयरों की क्या गलती होती है कि वो लेग साइड में तो अच्छे शॉट खेलते हैं पर ऑफ साइड में शॉट नहीं खेल पाते या बॉल को लॉफ्ट नहीं कर पाते. उन्हें पता नहीं चलता कि बैट का फेस कैसे रखना है, ग्रिपिंग कैसे करनी है, क्योंकि टेनिस में भी आपकी ग्रिपिंग अच्छी होगी तभी आप एक अच्छा शॉट खेल पाओगे. तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना. अगर आप एक टेनिस प्लेयर हो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. सबसे पहली चीज़ है, आपको लाइन और लेंथ को जज करना है. जो बॉल ऑफ स्टंप के बहुत बाहर है आपको उस पर ऑफ साइड पर खेलना है, ना कि जो बॉल स्टंप पे आ रही है आप उसे ज़बरदस्ती ऑफ साइड में खेलने जाओ. फिर आपका जो स्टांस है वो ओपन स्टांस रहेगा, आपकी जो बैक लिफ्ट है वो थोड़ी हाई रहेगी, आपको डाउन नहीं रखनी क्योंकि टेनिस बॉल एकदम बाउंस करके आती है, तो आपकी जो बैक लिफ्ट है थोड़ी हाई रहेगी. फिर आपको क्या करना है, आपको देखना है कि बॉलर की स्पीड कितनी है, क्योंकि अगर आप टेनिस बॉल से भी थोड़ी स्पीड यूज़ करोगे तो शॉट आराम से चला जाएगा. अब इसमें ग्रिपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कुछ प्लेयर क्या गलती करते हैं, वो बहुत टाइट होल्ड कर लेते हैं बैट को, जिससे जब वो शॉट खेलते हैं तो शॉट में वो पावर नहीं आ पाती या फिर बैट जो है वो हाथ में घूम जाता है. तो आपको हमेशा याद रखना है, आपका जो टॉप हैंड है उसको तो आपको पूरा टाइट पकड़ना है, बॉटम हैंड को भी टाइट पकड़ना है, पर आपको बैट को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं पकड़ना, ताकि आपको इतना पकड़ना है जब आप शॉट खेलो तो आपका जो बैट है वो हाथ में घूमे ना. फिर आपको सिर्फ बैट का जो फेस है पूरा खोलना है और बैट स्विंग पूरा रखना है. बॉल को अच्छे से कोशिश करनी है कि बैट के मिडल पे लगे. जितनी अच्छी बॉल बैट के मिडल पे लगेगी उतने चांसेस हैं कि आप साइड ऑफ साइड में आप लोग सिक्स मार पाओगे. यही चीज़ आपको सामने और अगर लेग में खेलते हो तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बैट को इतना टाइट होल्ड नहीं करना कि जब आप शॉट खेलो. कभी कभी क्या होता है, जो फुल बॉल आती है उस पर जब आप शॉट खेलते हो तो बॉल ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं करती, वहीं पर खड़ी हो जाती है. वो इसलिए हो जाती है क्योंकि आप बैट बहुत ज़्यादा टाइट होल्ड कर लेते हो, जिससे आप एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट करने की कोशिश करते हो और वो बॉल क्लियर नहीं हो पाती. तो हमेशा आपको इतना टाइट होल्ड करना है बैट कि आप जब शॉट खेलो आराम से चला भी जाए बाउंड्री तक और बैट हाथ में घूमे भी ना. और लाइन लेंथ हमेशा आपको वही रखनी है. ऑफ स्टंप वाली बॉल है तो ऑफ में खेलना है, फुल बॉल है तो आप उसे लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे खेल सकते हो. थोड़ा छोटा खिंचा हुआ बॉल है आपकी बॉडी में, आप उसको लेग साइड में खेल सकते हो. थोड़ा बाउंसर है उसको भी आप लेग साइड में खेल सकते हो. इसकी प्रैक्टिस आप जितने ज़्यादा टेनिस से मैचेस खेलोगे या रेड वाली बॉल से अगर आप उसे गीला करके भी उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपके शॉट बहुत ही अच्छे हो जाएंगे और ये आपको लेदर क्रिकेट में भी बहुत फ़ायदा देंगे. तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, सेम अकाउंट है शुभम क्रिकेट अकेडमी.